So today we are going to learn about the classification of textile fibers. तो फाइबर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. फाइबर क्या होता है? बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा, जैसे कि कॉटन में से जब एक रुई की बहुत हल्की सी एक तार सी होती है जिसको कि आप हवा में देख सकते हो, तो उसको हम फाइबर बोलते हैं. तो ये जो टेक्सटाइल फाइबर्स होते हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इसके दो सोर्सेज होते हैं. एक आपका नेचुरल सोर्स हो सकता है और दूसरा आपका मैनमेड सोर्स हो सकता है. नेचुरल सोर्स का मतलब होता है कि आप जो फाइबर ले रहे हैं, टेक्सटाइल फाइबर मतलब कपड़े बनाने के लिए जो आपका बेसिक सामान है वो आपको नेचुरल तरीक़ों से मिल रहा है. तो पहला आपका आता है सेल्युलोसिक. सेल्युलोस का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो आपको पेड़ों से मिल रही है, जैसे कि आपके किसी पेड़ की लीफ से हो गई या सीड हेयर हो गया या उसका बेस हो गया, तना हो गया. तो आप ये देखिए, जैसे कि आपका फ्लैक्स है, हेम्प है, जूट है, ये सारे आपको बेस से मिलते हैं. लीफ से मनीला और सीसल मिलता है. इसी तरह से सीड के जो हेयर होते हैं उससे आपको कॉटन और कैपॉक मिलता है. ये जो कपड़े जो बनते हैं आपके, कॉटन, फ्लैक्स, जूट वगैरह, ये सारे आपको सेल्युलोज से मिलते हैं. सेल्युलोज एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि जो कि पेड़ पौधों में पाई जाती है. अक्सर जैसे ऐसे कहते भी हैं ना कि गायें घास खा सकती है, तो इंसान क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि गायें के शरीर में ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो सेल्युलोज को पचा सकते हैं. हमारे बॉडी में ऐसे प्रोटीन्स नहीं होते हैं. तो दैट इज़ व्हाट इज़ सेल्युलोज. ठीक है. तो नेक्स्ट जो चीज़ होती है जो नेचुरल तरीके से हमें मिलती है वो होते हैं प्रोटीन से बने हुए. तो प्रोटीन का मतलब है जैसे हमारे बाल जो हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं. हमारी बॉडी प्रोटीन से बनी होती है. जैसे आपको कभी चोट लग जाए, कहीं जिनका ऑपरेशन होता है कुछ, उनको कहा जाता है कि इनको प्रोटीन वाला सामान दो. जैसे आप बॉयल्ड एग लेते हैं या फिर आप पनीर खाने के लिए उनको बोला जाता है. तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के हीलिंग होती है जल्दी से, हमारी बॉडी मसल डेवलप होती है. तो ये सब प्रोटीन होता है. तो अगर आपकी बॉडी के बाल हो गए, या देखिए इसमें क्या क्या एग्जांपल आते हैं, किसी भी तरह के हेयर, जैसे कि अल्पाका हो गया, आपका कैमल हो गया, कैश्मीर हो गया, लामा, मोहेर, शीप हो गई, इन सब के जो बाल हैं ये इस्तेमाल होते हैं वूल बनाने के लिए, या किसी भी तरह का कोई पायदान वगैरह बनाने के लिए जो बहुत ही छोटे होते हैं हेयर्स. तो ये सारे जो हैं यूज़ होते हैं आपके प्रोटीनियशियस फाइबर के अंदर आते हैं. दूसरा आपका आता है फिलामेंट फाइबर. अब फिलामेंट फाइबर में क्या होता है कि फिलामेंट का मतलब, स्टेपल का मतलब होता है छोटा, फिलामेंट का मतलब होता है बड़ा. तो कोई भी अगर फाइबर है जिसकी लेंथ छोटी है तो हम उसको स्टेपल फाइबर बोलते हैं, कोई लंबा है तो उसको हम फिलामेंट फाइबर बोलते हैं. तो जो सिल्क होता है ना वो कैसे बनता है कि एक कीड़ा होता है, सिल्क वॉर्म बोलते हैं हम उसको, वो शहतूत की पत्तियाँ जिसको मलबरी लीव्स कहा जाता है ज़्यादातर. वैसे वाइल्ड सिल्क वॉर्म्स भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर जिनको हम ग्रो करते हैं दे आर बॉम्बिक्स मोरी बोलते हैं उनको. तो वो कीड़ा क्या करता है कि वो पत्तियाँ खाता है और धीरे 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 अपनी बॉडी के आसपास एक बॉल सी बना लेता है जिसको हम कोकून बोलते हैं. तो उसको कोकून को वो तोड़ के जब बाहर निकलता है वो बटरफ्लाई बन जाता है. लेकिन जब वो इसको तोड़ के बाहर निकलता है और बटरफ्लाई बनता है तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे फिलामेंट्स कट जाते हैं और वो स्टेपल फॉर्म में आ जाते हैं जिसकी वजह से सिल्क की वैल्यू कम हो जाती है. तो क्या क्या जाता है कि जब वो कोकून फॉर्म में होते हैं तो उनको ड्राई हीट या फिर गर्म पानी में डाल दिया जाता है और उसके ऊपर के धागे को लंबा लंबा निकाल लिया जाता है. तो कीड़ा उसी के अंदर मर जाता है, बाद में उसको फेंक दिया जाता है. तो ये लंबे धागे जो होते हैं बीज, ये क्योंकि कीड़ा जो होता है अपना थूक इस्तेमाल करता है, अपने थूक से वो एस एट की पोजीशन बनाता है और अपने आप को उस गोले में लपेट लेता है जिसको कोकून कहते हैं. तो क्योंकि ये उसके थूक से बना होता है तो दैट इज़ वाई इट इज़ प्रोटीनिशियस. देन इज़ मिनरल फाइबर्स. तो इसमें आपका एस्बेस्टोस या ऐसी इस तरीके की चीज़ें आती हैं जो कि बहुत इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, बट येस दे आर देयर. मतलब ज़्यादातर टेक्सटाइल फाइबर में इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है. देन इज़ योर मैन मेड फाइबर्स. मैन मेड का मतलब होता है कि जो इंसान ने बनाई, ऐसी चीज़ जो हमें नेचर से नहीं मिली, जो इंसान ने बनाई. तो उसमें आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरह के आते हैं. तो ऑर्गेनिक में आपका आता है नेचुरल पॉलीमर बेस और दूसरा आता है सिंथेटिक पॉलीमर बेस. और नेचुरल पॉलीमर बेस में होते हैं इस तरह के कपड़े जिनको हम रीजनरेट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल रेयन. रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं. तो इन चीज़ों में क्या किया जाता है कि थोड़ा सा कुछ नेचुरल चीज़ उठाई जाती है और कुछ जो होता है मैनमेड सिंथेटिक्स उसमें मिक्स किए जाते हैं.
तो दोनों को मिला जुला के हम नेचुरल पॉलीमर बेस बना लेते हैं और इस तरीके से ये कपड़े बनते हैं, जैसे आपका रेयन हो गया, एसीटेट हो गया, ट्राई एसीटेट हो गया, और इस तरह के सारे जो भी हैं आपके कपड़े जो हैं वो नेचुरल पॉलीमर बेस से बनते हैं। फिर आपका आता है सिंथेटिक पॉलीमर, मतलब कि पूरी तरह से सिंथेटिक है, इसमें आपने कुछ भी नेचुरल नहीं लिया, आपने केमिकल्स इस्तेमाल किए और अपना कपड़ा बना लिया। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है आपका एक्रेलिक, आपका इसके अंदर नायलॉन आएगा, जो मैं वो नाम ले रही हूँ जो आपने बहुत कॉमन सुने होंगे, वो नाम इसके अंदर आएंगे। एक्रेलिक हो गया आपका, नायलॉन हो गया, ओलेफिन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, रबड़ हो गई, स्पैंडेक्स, विनाइल, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिंथेटिक पॉलीमर के अंदर आती हैं। इसी तरीके से अगर आप मैनमेड की बात करें तो इसमें ऑर्गेनिक के अलावा इनऑर्गेनिक फाइबर्स भी बनते हैं, जैसे कि आपका ग्लास हो गया या किसी भी तरह के मेटालिक धागे जो हैं, ये सारे आपके इनऑर्गेनिक मैनमेड टेक्सटाइल फाइबर्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। तो ये मैंने आपको जो अभी अभी समझाया ये सभी इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द सोर्स फ्रॉम विच टेक्सटाइल फाइबर्स आर ऑब्टेन, इनको हम ब्रॉडली किस में क्लासीफाई करते हैं, नेचुरल एंड मैनमेड। सो द नेचुरल फाइबर्स होते हैं, नेचुरल टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूजेज मैनी फाइबर्स एज इट्स रॉ मटीरियल, तो रॉ मटीरियल के लिए नेचुरल चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। दे आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द सोर्स एंड द लेंथ ऑफ द फाइबर्स। तो इसमें मैंने आपको अभी जैसे बताया था, आप प्लांट्स ले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट्स इस्तेमाल कर सकते हैं आप, एनिमल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस इस्तेमाल करते हैं, और ये जो होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं ओवर द टाइम। यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब है कि आप उस चीज़ को अगर दबा देते हैं मिट्टी में, कुछ है वो गल जाएगी, सड़ जाएगी, मिट्टी में दोबारा से मिल जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे नायलॉन हो गई, तो ये मिट्टी में दबी हुई रहती, कोई सॉक्स है आपकी मिट्टी में दबी रहेगी तो आप उसको 10 साल बाद भी निकालोगे तो वो सॉक्स वैसे ही निकलेगी, वो गलेगी सड़ेगी नहीं, सो दैट इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल। लेकिन ये जितने भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं ये सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और इनको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं आपके वेजिटेबल फाइबर्स, जो कि ज़्यादातर आपको सेल्युलोज जो होता है पौधों में मिलता है उससे मिलते हैं। इसके अंदर आपका कॉटन, हेम्प, जूट, फ्लैक्स, रेमी, सीसल, ये सब आते हैं। सो जो प्लांट फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादातर किस चीज़ में मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल होते हैं, पेपर के मैन्युफैक्चर में और टेक्सटाइल में। तो जितने भी सेलुलोसिक फाइबर्स होते हैं जैसे कि कॉटन है, ये सब हाइड्रोफिलिक होते हैं। अब देखो बेटे, जहाँ पर ये हाइड्रोफिलिक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रो दो तरह के वर्ड्स इसमें होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक हाइड्रो वर्ड देखो, पहले हाइड्रो का मतलब होता है पानी, OH, ठीक है, पानी इज़ हाइड्रो, हाइड्रा पानी, OH मतलब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें एक होता है फोबिक, एक होता है फिलिक। फिलिक का मतलब होता है पानी को पसंद करने वाला, जो कि पानी को लाइक करेगा, और फोबिक होता है जो पानी को लाइक नहीं करता, उसको पानी से डर लगता है। तो अगर आप किसी को लाइक करते हो तो आप उसके पास जाना चाहोगे, और अगर आपको किसी से डर लगता है तो आप उससे दूर भागोगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, ये वाले जो कपड़े होते हैं इनको पानी अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है मीन्स जब इनके ऊपर पानी डलता है तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर आने देते हैं। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई सिंथेटिक कपड़ा देखो, उसके ऊपर अगर पानी गिर जाता है तो ऊपर ही बॉल बन के काफ़ी देर तो घूमता रहता है, सो दैट इज़ हाइड्रोफोबिक। लेकिन इनके अंदर जैसे ही पानी की कोई चीट पड़ी, मान लीजिए आपका इंक गिर जाती है, तो अगर कॉटन पर इंक गिरती है तो एकदम से फैल जाती है, बिकॉज वो हाइड्रोफिलिक होता है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए जो सेलुलोसिक फाइबर्स होते हैं इनका इस्तेमाल किस चीज़ में होता है, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, पानी को पसंद करने वाले होते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को बहुत जल्दी, तो इनको हम ज़्यादातर इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, टॉवल बनाने में, स्पोर्ट्स वेयर में, क्योंकि बहुत पसीना आता है, हमें इस तरह का कपड़ा चाहिए जो जल्दी से हमारा पसीना जो है वो सोख ले और हमें जो है गर्मी ना लगे। पसीना सोख लेगा तो हम कंफर्टेबल महसूस करेंगे ना, तो इसलिए कोई भी मेडिकल ड्रेसिंग होगी, जैसे मान लीजिए खून निकल रहा है, आपकी पट्टी बांधने वाली जो भी होगी ड्रेसिंग के लिए, तो वो सब हम सेलुलोसिक मटेरियल की बनाते हैं, बिकॉज दे आर हाइड्रोफिलिक, उनको पानी जो है वो अच्छा लगता है और वो पानी को जल्दी से सोख लेते हैं। देन इज़ एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स में क्योंकि बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन्स रहते हैं, जैसे कि स्पाइडर का सिल्क, सिन्यू, कैटगट, वूल हो गई आपकी, उनके बाल हो गए, जैसे कि कैश्मीर, मोहेर, अंगोरा, उनकी फर हो गई, या फिर शीप स्किन हो गई आपकी, रैबिट हो गया, मिंक, फॉक्स, बीवर, ये सारे ऐसे जानवर हैं जिनके शरीर पे बाल होते हैं, ठंडी जगह पे मिलते हैं, और इनके बालों को हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक वूल।
सो द एनिमल फाइबर्स और प्रोटीन फाइबर्स आर दोज फाउंड इन हेयर ऑफ द एनिमल्स। तो बेटा अगर आप जैसे वूल है आपके पास, अगर उसको आप जलाओगे तो आपको ऐसी स्मेल आएगी जैसे कि बाल जलते हैं। इवन सिल्क को भी जब आप थोड़ा सा बर्न करके देखेंगे तो आपको उसमें से भी बाल जलने जैसी स्मेल आती है। तो ये बर्निंग टेस्ट होता है जिससे कि यू फाइंड आउट कि हाँ ये जो पर्टिकुलर फैब्रिक है ये एनिमल प्रोटीन से बना हुआ है, दिस इज़ प्रोटीनिशियस। तो अगेन ओनली सर्टेन एनिमल्स हैव हेयर ऑफ सफिशियंट क्वालिटी एंड क्वान्टिटी। अब जैसे कि कमर्शियली वाइबल प्रोडक्शन के लिए जो होते हैं वो कुछ ही होते हैं, सबके बाल उतार के आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ड्यू टू इट्स एनॉर्मस फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चर एंड इट्स इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ एज अ टेक्सटाइल, जो शीप वूल होती है ये मेनली इस्तेमाल होती है किसी भी तरह के वूल को बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही फ्लैक्सीबल भी होती है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो ये बाद में भी इसको सिक्योर किया जा सकता है, ये जल्दी से ऐसे ख़राब नहीं होती है। दैट्स वाई शीप जो होती है उसके बालों को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है टू मेक द वूल फाइबर। ऑस्ट्रेलिया में वूल प्रोडक्शन जो है हैज़ बीन इंस्टिल इज़ एन एनॉर्मसली सक्सेसफुल वेंचर, क्योंकि वहाँ पर वो लोग शीप पालते हैं और वहाँ उसके काफ़ी बाल निकालते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग वूल प्रोड्यूसर्स। वूल प्रोड्यूसर्स का अगर हम नाम लें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया वालों का नाम काफ़ी ऊपर आता है। तो अदर एनिमल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका कैमल हो गया, कैशमियर हो गया, मोहेयर हो गया, अंगोरा हो गया एंड सिल्क। तो ये आप बाद में इंटरनेट पर ढूंढना कि ताकि आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट आए, आपको भी पता लगे किस तरह से कैमल के बालों को इस्तेमाल किया जाता है, कैशमियर क्या होता है, मोहेयर क्या होता है, अंगोरा क्या होता है। अंगोरा एक तरह का रैबिट होता है और उसके बालों को इस्तेमाल करके वूल बनाई जाती है, क्योंकि रैबिट का साइज़ छोटा होता है। तो काफ़ी ज़्यादा रैबिट्स के ऊपर से बाल उतारोगे तब जाके कहीं आपका कोई एक प्रोडक्ट बनेगा। और ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, प्योर होता है, इसलिए ये बहुत कॉस्टली भी होता है। तो इसी तरह से हम सिल्क की बात करें, दे आर मेनली रिगार्डेड एज स्पेशलिटी फाइबर्स, इनको हम स्पेशलिटी फाइबर्स में काउंट करते हैं। इनकी जो प्रोडक्शन होती है दैट इज़ टू एक्सपेंसिव एंड देयर प्रॉपर्टीज़ टू स्पेसिफिक टू यील्ड मेन स्ट्रीम मार्केट सक्सेस। तो ये जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, अगर इसमें से आपने कुछ भी प्रोडक्ट बनाना है तो दैट्स वाई इनका रेट जो है बढ़ जाता है। अगर आप प्योर सिल्क खरीदने भी मार्केट में जाओगे तो दैट इज़ ऑल्सो कॉस्टली। फर्स एंड लेदर्स ऑल दो नॉट जनरली यूज एज फाइबर्स फॉर यार्न प्रोडक्शन, क्योंकि जो फर होती है और जो लेदर होता है इसमें हम यार्न की प्रोडक्शन नहीं करते। लेदर इज़ बॉडी जो किसी भी जानवर की खाल जिसको आप बोलते हो, तो उसमें तो खाल एज इट इज़ ही यूज़ होती है, इसमें तो कोई यार्न बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जो फर होती है वो भी ऐसी होती है, उसमें भी कोई यार्न बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इनको हम यार्न प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट फिर भी ये क्योंकि प्रोटीन बेस्ड टेक्सटाइल मटेरियल है तो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं और दुनिया भर में बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर भी ज़्यादा आप देखोगे ठंडे एरियाज़ हैं जहाँ पर सर्दी बहुत पड़ती है, वहाँ पर लेदर का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर फ़र का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। हालाँकि आजकल क्योंकि ह्यूमन प्रोटेक्शन राइट सॉरी एनिमल प्रोटेक्शन राइट्स के वजह से ज़्यादातर लेदर जो है, क्योंकि लेदर का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो टीडियस होता है और बहुत बदबूदार होता है, तो जहाँ पर भी ये काम होता है वहाँ पर पानी जो होता है वो भी सारा पोल्यूट हो जाता है। इसलिए मोस्टली जो है लेदर इतना ज़्यादा जो है अब नहीं इस्तेमाल होता, क्योंकि एनिमल राइट्स वाले आके खड़े हो जाते हैं कि आपने नहीं इसको यूज़ करना है। तो दो तीन तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि कोई जानवर मान लीजिए कि मर गया तो आप फिर उसकी स्किन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और कईयों को जैसे खाने के लिए मारा जाता है तो उनकी स्किन भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो स्पेसिफिकली जानवरों को मार के ही उनकी स्किन का इस्तेमाल किया जाता है लेदर के लिए, इसलिए ज़्यादातर जो लेदर है अब ये बैन हो जाता होता जा रहा है, और यही हाल जो है ये फर का भी है। तो अगर हम मिनरल फाइबर्स की बात करें तो इसके अंदर आपका आता है एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस एक नेचुरली अकरिंग लॉन्ग मिनरल फाइबर है। तो इसमें और क्या आता है, वॉलिस्टोनाइट, एटिपलजाइट एंड हेलोईसाइट। तो ये हमने इतने नाम नहीं सुने होंगे क्योंकि कंपनीज जो हैं अपने नाम अकॉर्डिंगली चेंज करते रहते हैं,
तो हमें नहीं पता। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई कॉटन का कपड़ा है, तो वो कॉटन का कपड़ा जब बन के आएगा तो उसको आप बोलेंगे, आप किसी और, आप बोलेंगे लाइनिंग मटेरियल दे दो भैया, या फिर आप बोलोगे भैया कॉटन का कपड़ा दे दो, वो आपको पॉपलिन देगा। तो इस तरह से उनके नाम जो है मार्केट में आते आते अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं। सो हियर यू कैन सी द नेचुरल फाइबर, इन्होंने किस तरह से जो नेचुरल फाइबर है वो वेजिटेबल है, एनिमल है और मिनरल है। तो वेजिटेबल में आप क्या लिखेंगे, सीड, बास्ट, लीफ एंड फ्रूट। तो सीड से हमें क्या मिलता है, कैपॉक एंड कॉटन। बास्ट से हमें क्या मिलता है, जूट, हेम्प, लिनन, रेमी। लीफ से मिलता है हमें सीसल एंड पाइनएप्पल। फ्रूट में हम कॉयर, कॉयर होता है आपका जो नारियल होता है ना, उसके ऊपर के जो फाइबर्स निकलते हैं, तो वो वाले फाइबर्स को इस्तेमाल करके पायदान बनाया जाता है, जिसको कि आप फुट मैट कहते हैं। सो वो एक फ्रूट ही है ना, जो कोकोनट है, तो उस फ्रूट के ऊपर से आपने बाल उतार के उनको इस्तेमाल किया, तो ये फ्रूट की कैटेगरी में आएगा। सिमिलरली जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स का हेयर इस्तेमाल किया जाता है, उनकी सिक्रीशन इस्तेमाल की जाती है, तो हेयर में आपका वूल आ जाता है, मोहेयर आ जाता है, सिक्रीशन में सिल्क आ जाता है, और फिर नेचुरल फाइबर जो बचता है दैट इज़ मिनरल फाइबर्स। एंड देन वील बी स्टार्टिंग मैनमेड फाइबर्स। मैनमेड का मतलब जो आदमी ने बनाए हैं, जिसमें हमने सिंथेटिक इस्तेमाल किए हैं, पेट्रोकेमिकल्स जिनको हम बोलते हैं। तो कुछ सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। अब सिंथेटिक फाइबर दो तरह के होते हैं, एक वो जो प्योरली सिंथेटिक है, मतलब पूरा आपने उसके अंदर केमिकल्स का इस्तेमाल किया है, और दूसरा वो होता है जिसमें कि आपने कुछ मटेरियल जो है वो नेचुरल का उठा लिया और कुछ जो है उसमें सिंथेटिक मटेरियल आपने डाल दिया। सो वो जो होते हैं उनको हम रीजनरेटेड भी कहते हैं, मतलब कि उसको दोबारा से आपने बना लिया, थोड़ा सा नेचुरल मटेरियल लिया, उसमें कुछ सिंथेटिक डाला और दोबारा से उसका मटेरियल बना लिया, सो दैट इज़ रीजनरेटेड फाइबर। तो इसमें ज़्यादातर ये जो रीसेंट डेवलपमेंट है दैट इज़ लाइसल। लाइसल जो है दिस इज़ अ रीजनरेटेड मैनमेड फाइबर। सो आप यहाँ पे देखिए मैनमेड जो फाइबर्स हैं इनको आप रीजनरेटेड भी कहते हो, और सिंथेटिक ये दो कैटेगरीज में होते हैं। रीजनरेटेड में आप नेचुरल प्रोडक्ट लेके उसमें थोड़ा सिंथेटिक ऐड करके फिर उनको बनाते हैं, और जो सिंथेटिक होते हैं उसमें सिर्फ केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं और फिर बनाते हैं। तो रीजनरेटेड में दो तरह से बन सकते हैं, एक सेलुलोसिक और एक प्रोटीनिशियस। सेलुलोसिक का मतलब है कि उसके अंदर पेड़ पौधों से कुछ चीज़ लेके उसको इस्तेमाल की जाएगी, और प्रोटीन का मतलब है कि या तो आप सिक्रीशन यूज़ करें या पाल यूज़ करें, कुछ भी जानवरों का प्रोडक्ट जो है इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। तो सेलुलोसिक में आपके भी आते हैं आगे प्योर, मॉडिफाइड और मिसलेनियस, और प्रोटीन के अंदर वेजिटेबल प्रोटीन्स होते हैं और एक एनिमल प्रोटीन्स होते हैं। इस तरीके से अगर हम सिंथेटिक की बात करें तो दो तरह से बनते हैं, वन इज़ कंडेंसेशन एंड वन इज़ एडिशन। तो ये जो कंडेंसेशन और एडिशन वर्ड इन्होंने यहाँ पे यूज़ करे हैं, ये एक तरह की पॉलीमराइजेशन होती है, जिसमें कि जब पूरा प्रोसेस हो जाता है तो उसके अंदर पानी जो है वो निकलता है या नहीं निकलता है, और किस तरीके से उनके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, तो ये पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस होते हैं। अब आप जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए मैं ये बता दूं कि सबसे छोटा सेल होता है, जब सेल जुड़ता है तो मॉलिक्यूल बनता है, और फिर उसके बाद उसकी जो है पॉलीमराइजेशन होती है, मतलब वो जुड़ते हैं, जब एक के साथ दूसरा जुड़ता है उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और ये दो तरह की होती है, कंडेंसेशन एंड एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो जो कंडेंसेशन होती है उसमें नायलन और पॉलिएस्टर जो है मेन एग्जांपल्स इन्होंने जो दिए हैं वो नायलन एंड पॉलिएस्टर हैं, और एडिशन में जो है वो एक्रेलिक एंड मॉड एक्रेलिक है। सो आप बोलोगे हमने तो एक्रेलिक का नाम तो पता नहीं कभी आप लोगों ने सुना है या नहीं, मॉड एक्रेलिक। तो आजकल जितनी भी आपकी जो कंबल आप लोग ले रहे हो, सर्दियों में आपने कंबल लिए बड़े सुंदर, बहुत सॉफ्ट, जो अब आप अपनी मम्मी को बोलते हो कि मोटी वाली रजाई मत देना, अब मुझे तो सॉफ्ट सॉफ्ट टेडी बेयर जैसे कंबल चाहिए, तो वो सारे कंबल आपके एक्रेलिक एंड मॉड एक्रेलिक से ही बने हुए हैं, दैट इज़ टोटल सिंथेटिक मटेरियल। अदरवाइज़ जो आप रजाई लेते हैं वो होती है, उसके अंदर देर इज़ अ नेचुरल मटेरियल विच इज़ कॉल्ड कॉटन, उसके अंदर कॉटन रहता है, और कॉटन को कवरिंग दे दी जाती है, उसका कवर कर दिया जाता है, एंड वो आपको हीट से प्रोटेक्ट करता है। सो यू नाउ माइट हैव एन आइडिया कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो कि वो नेचुरल है या सिंथेटिक है या रीजनरेटेड है। सो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, रीजनरेटेड फाइबर्स जो होते हैं उनका रॉ मटेरियल जो है
नेचुरल चीज़ों से लिया जाता है, जिसमें कि वुड पल्प हो सकते हैं या कॉटन लिंटर हो सकता है, और इनको दोबारा से यार्न मेकिंग प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है। तो फर्स्ट कमर्शियल जो सबसे पहले दुनिया में रीजनरेटेड सिंथेटिक आया था, दैट वाज रेयॉन, जिसको कि हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते थे। हुआ ये था, इसके पीछे ये स्टोरी है कि जो सिल्क था ना वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था और लोग उसको नॉर्मली अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सिल्क सबसे पहले आया चाइना में। चाइना की एक राजकुमारी थी, ये शायद मैं स्टोरी पहले भी सुना चुकी हूँ, चाइना की एक राजकुमारी थी या रानी, आप कुछ भी कह लो, वो अपने बाग बगीचे में बैठ के चाय पी रही थी और एक्सीडेंटली उसकी चाय में एक कोकून आके गिर गया। जब उसने उसको खींचा तो उसमें से धागा निकलने लगा, एंड देन शी रियलाइज, उसने अपने हस्बैंड के लिए कोई स्कार्फ वगैरह बनाया उसका, और फिर चाइना वालों ने इस तरह से सिल्क को डिस्कवर किया। लेकिन चाइना वाले बहुत ख़राब थे या इंटेलिजेंट कह लो, उन लोगों ने सिल्क कैसे बनता है ये प्रोसेस दुनिया के साथ 1000 साल तक शेयर नहीं किया। उसके बाद भी सिल्क कैसे बनता है ये प्रोसेस चोरी से बाहर आया, उसकी जो प्रोसेस था वो अंग्रेज़ों ने चोरी करके बाहर निकाल दिया कि सिल्क ऐसे बनता है। अदरवाइज़ ये क्या करते थे, किसी को पता नहीं था कि सिल्क कैसे बनता है, और ये अब सोने चांदी हीरे मोती के भाव पे सिल्क बेचते थे, तो सिल्क वॉज वेरी वेरी कॉस्टली। सो ऑब्वियसली अब एक कोकून में से कितना का धागा निकलेगा, तो बहुत सारे कोकून्स भी यूज़ होते थे। दैट वाज आल्सो वन रीज़न बिहाइंड सिल्क बीइंग वेरी वेरी कॉस्टली। तो जो कॉटन था वो दिखने में दूसरे तरीके था, उसमें सिल्क वो था तो बहुत अच्छा, लेकिन सिल्क की लुक नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया साइंटिस्ट ने, उन्होंने कुछ कॉटन लिया, कुछ सिंथेटिक लिया, और उसको मिला जुला के एक रीजनरेटेड कपड़ा बना दिया, जिसकी प्रॉपर्टीज़ तो काफ़ी कुछ कॉटन जैसी थी। मतलब जैसे सिल्क होता है उसको आप गर्मी में नहीं पहन सकते, उसमें पसीना बहुत आता है, लेकिन अगर आप कॉटन जो है उसको आप फटाफट से गर्मी में पहन सकते हैं, क्योंकि वो तो हाइड्रोफिलिक होता है तो वो आपको कंफर्टेबल फील कराता है। तो ये कंफर्ट वाली जो बात थी ये तो आर्टिफिशियल सिल्क में थी, लेकिन वो देखने में बिल्कुल भी कॉटन जैसा नहीं था। इसमें सिल्क जैसी चमक थी, देख के कोई नहीं बता सकता था कि यहाँ पे ये सिंथेटिक कुछ बना हुआ है। सो इसलिए इसको नाम दिया गया आर्टिफिशियल सिल्क। ये मॉडिफाइड सेल्यूलोज या वुड पल्प के साथ बनाया गया, और बाद में इसका नाम रखा गया विस्कोस। तो जो एसीटेट है ये भी एक रीजनरेटेड फाइबर है, जो कि कॉटन लिंटर्स के साथ बनाया जाता है। इसमें एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका नाम एसीटेट है। इसी तरीके से अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें, तो वो सिंथेटिक केमिकल्स जो हैं उनसे बनते हैं, जिनको आप पेट्रोकेमिकल सोर्सेज कहते हो, जैसे कि कोयला वगैरह हो गया, ये सब पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। तो रादर देन अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल मटेरियल बाय प्योरली फिजिकल प्रोसेस, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टू टाइप्स। तो दो तरह से, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, कंडेंसेशन, दो तरह की पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन एंड एडिशन पॉलीमराइजेशन, इन दोनों के साथ ये जो है बनता है। सो नायलन एंड पॉलिएस्टर फाइबर्स आर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलिएंट एंड आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन कंज्यूमर टेक्सटाइल्स। तो नायलन और पॉलिएस्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होते, इनकी लुक बहुत सुंदर होती है, और दोनों जो हैं, जो नायलन है और ये जो पॉलिएस्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ख़ासतौर पे तब जब इसको कुछ और चीज़ के साथ ब्लेंड कर दिया जाए। ब्लेंड करने का मतलब होता है जोड़ना, जैसे कि आप टेरिकॉट, ये वर्ड हमने सुना हुआ, तो इसमें क्या है, टेरिलीन एंड कॉटन। तो जब आप मार्केट में सामान लेने जाते हैं, या मान लीजिए आप सूट खरीदने जा रहे हैं, कोई आप चले जाइए, एक मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल देती हूँ। थोड़े दिन पहले आई वेंट टू वेस्ट साइड, आप भी जाइए ज़रूर वेस्ट साइड में, जब आप जाते हैं तो उनका जो कपड़ा आप लेने लगोगे तो टैग के ऊपर इट विल बी मैंशनड कि इसमें कितना सिंथेटिक है और कितना परसेंट कॉटन है। सो इसी तरीके से इस तरह के जो कपड़े होते हैं, जैसे कि टेरिकॉट, तो इसमें टेरिलीन एंड कॉटन, मतलब कि एक सिंथेटिक और एक कॉटन, दोनों को ब्लेंड किया गया, मतलब कि जोड़ा गया है। तो ये सब जोड़ के जब कपड़े बनते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक तो देखो जो नेचुरल है उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है और सिंथेटिक का रेट थोड़ा कम होता है, और नेचुरल और सिंथेटिक जोड़ने से दोनों की अच्छी वाली प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपके सामने आ जाती हैं। जैसे कि आप देखें कि जो सॉक्स होती हैं उसमें नायलन मिक्स किया जाता है कॉटन के साथ, तो उससे क्या होता है कि आपकी सॉक्स जो हैं जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, फटती नहीं हैं जल्दी। सो आपकी जो सॉक्स होती हैं उसमें बल नहीं पड़ते जल्दी, पर कॉटन में बहुत जल्दी बल पड़ जाते हैं, तो ये उसकी एक अच्छी क्वालिटी आपकी सॉक्स में आ गई। सो उसमें
फाइबर्स में अगर इस तरह से हम ब्लेंडिंग करते हैं तो बाकी एडवांटेजेस भी देखी जा सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल आप देखिए कि ये जो जितने भी सिंथेटिक होते हैं इसमें एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताऊंगी, जो हम छोटे होते सिर के ऊपर रिबन्स डालते थे, है ना, अपनी चोटी को बांधने के लिए स्कूल में मैम बोलते थे ना आप रिबन्स पहन के आए, तो उसको जब हम कट करते हैं तो उसके जो एजेस होते हैं उसको फिनिश करने के लिए व्हाट वी डू इज़ वी यूज़ दैट हीट थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं तो पिघलने लगता है, हम उसको दबा देते हैं और वो उसका जो एज होता है वो सील हो जाता है। वाई? बिकॉज जो सिंथेटिक्स होते हैं उनकी ये क्वालिटी होती है कि उनको आप जब हीट के पास लेके जाएंगे तो वो पिघलने लगते हैं। तो अगर आप किसी सिंथेटिक में कॉटन या कोई नेचुरल चीज़ इस तरह से डालते हैं तो उसकी वो जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक पीछे हो जाती है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से नेचुरल और सिंथेटिक को इस्तेमाल करके दोनों की अच्छी प्रॉपर्टीज़ को साथ में लिया जा सकता है। नेक्स्ट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास।